बहुत से लोगों का ये प्रश्न है, कई लोगों को, पंडितों को भी इस बात में भ्रम है कि मृत्यु के बाद महालय श्राद्ध यानी पितर पक्ष में श्राद्ध करना कब से प्रारंभ करना चाहिए। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो अब उनका महालय श्राद्ध यानी ये पितर पक्ष में जो श्राद्ध होता है, तर्पण होता है, ये किस वर्ष से प्रारंभ हो, कब हो, कैसे हो, इसकी विधि बतलाने की कृपा करें, ऐसा कई लोगों का प्रश्न है। तो देखिए, धर्म सिंधु ग्रंथ के आधार पर तथा अंत्यकर्म श्राद्ध प्रकाश ग्रंथ के आधार पर आपको ये बतलाया जा रहा है। गीता प्रेस से अंत्यकर्म श्राद्ध प्रकाश एक ग्रंथ निकला है, जो है उसमें श्राद्ध संबंधित, प्रेत श्राद्ध से संबंधित, महालय ये जो है मुख्य रूप से पारवण और एकोदिष्ट आदि की विधि बड़ी सुगम तरीके से बतलाई गई है, आप उसमें देख सकते हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस दिन जो है 6 पिंड दिए जाते हैं, 5 पिंड, और अगर तीर्थ से इतर है तो एक, जब जो अस्थि चयन होता उस समय एक पिंड दिया जाता है, और 10 गात्र के 10 पिंड मिलकर के वो जो है मलिन षोडशी पूर्ण होती है। इसके बाद 11वें दिन उसका जो है मध्यम षोडशी होती है, और यदि किसी की पंचक आदि में मृत्यु हुई हो तो पंचक शांति या नारायण बलि भी वहां होती है, और 12वें दिन जो है उत्तम षोडशी की जाती है। वैसे उत्तम षोडशी का मुख्य क्रम है कि मृत्यु तिथि पर एक वर्ष तक 12 महीने तक जो है 12 पिंडदान किए जाएं, और एक पाक्षिक श्राद्ध हो एक पक्ष के बाद, दूसरा त्रैपाक्षिक हो 3 पक्ष के बाद, और एक ऊन षाणमासिक 6 महीने में कम होने पर एक उसी तिथि पर यानी 5.5 महीने में दिया जाता है, और एक ऊन आब्दिक, तो ये 11.5 महीने पे वर्ष पूरे होने में थोड़े कम रहता है तब दिया जाता है। तो 12 महीने के 12 और ये 4 श्राद्ध और हैं, पाक्षिक, त्रैपाक्षिक, ऊन षाणमासिक और ऊनाब्दिक, तो ये मिलकर के 16 हो जाते हैं। यदि किसी वर्ष में अधिक मास पड़ जाए तो फिर 17 पिंड दिए जाते हैं, इसी को कहा जाता है उत्तम षोडशी। तो फिर जो है उसकी मृत्यु तिथि आती है तो उस पर वार्षिक श्राद्ध, जिसको लोग वर्षीय श्राद्ध कहते हैं, तब होना चाहिए, और तब ही उसमें जो है सपिंडीकरण होता है, ये शास्त्र में विधान है। परंतु अब एक वर्ष तक फिर कोई घर में, परिवार में कोई विवाह आदि उत्सव नहीं हो सकता है इस दृष्टि से, और शास्त्र का वचन भी है, इसलिए 12वें दिन ही, मृत्यु के 12वें दिन ही इस उत्तम षोडशी को अपकर्षण करके, यानी बाद में किए जाने वाले, वर्ष भर में किए जाने वाले कृत्य को और खींच करके पहले ही कर लेना, इसका नाम है अपकर्षण। तो अपकर्षण विधि से 12वें दिन ही उत्तम षोडशी श्राद्ध हो जाता है। उत्तम षोडशी के बाद फिर जो है सपिंडीकरण हो जाता है। सपिंडीकरण माने जो जिसकी मृत्यु हुई है उसको उसके पिता, पितामह, प्रपितामह के पिंडों में मिला देना, यानी पितर कोटि में उसे पहुंचा देना। फिर इसके बाद में एक महिकोदिष्ट श्राद्ध होता है ना, इस तरीके से ये श्राद्ध होता है। तो पहले जो है मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी, महिकोदिष्ट श्राद्ध, फिर सपिंडीकरण, ये क्रम है। तो ये सपिंडीकरण जो एक वर्ष तक होना चाहिए था, इसको यही कर दिया, और वर्तमान में सभी जगह वो जो जिसको द्वादशा नाम से लोग जानते हैं, उस दिन उत्तम षोडशी श्राद्ध और सपिंडीकरण श्राद्ध होता है। तो इस तरीके से 49 पिंड देने के बाद ही उसकी प्रेतत्व की निवृत्ति होती है, यानी मध्यम मलिन षोडशी के 16, मध्यम षोडशी के 16, उत्तम षोडशी के 16, 48 और एक महिकोदिष्ट श्राद्ध,
तो ये जो है 49 पिंड के बाद ही प्रेतत्व की निवृत्ति होती है, फिर सपिंडीकरण करना चाहिए 12वें दिन। लिखा हुआ है कि ऐसा यदि किया जाए, क्योंकि आपने वो एक वर्ष वाले कृत्य को 12वें दिन ही कर लिया, तो तब भी उसको फिर ये जो है उत्तम षोडशी है, इसको एक वर्ष तक फिर दोबारा करनी चाहिए, क्योंकि आपने कर दिया, सपिंडीकरण हो गया, परंतु फिर भी उसका जो है एक वर्ष तक आवृत्ति यानी फिर दोबारा होनी चाहिए। ये 16 श्राद्ध फिर एक वर्ष में चलेंगे। तो अब लोग उनको पिंड दानात्मक करें अथवा ब्राह्मण भोजनात्मक करें, तो पिंड दानात्मक या ब्राह्मण भोजनात्मक इस तरीके से फिर जो है पाक्षिक, मासिक, प्रथम मासिक, पितृपाक्षिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचमासिक तक हो गया, फिर ऊन षण मासिक, फिर षण मासिक, सप्तमासिक, अष्टम मासिक, नवम मासिक, दसम मासिक, एकादश मासिक और ऊनाब्दिक और आब्दिक, इस तरीके से ये 16 श्राद्ध हुए। आब्दिक जब होगा तो उसी दिन वर्षी श्राद्ध होता है। तो वर्षी श्राद्ध होने के बाद तो फिर अब ये जो है, अब एक वर्ष हो गई उसको, इस वर्ष पूरी वर्ष ये श्राद्ध उत्तम षोडशी की आवृत्ति चलती रही है, और जो मृत्यु तिथि आई उसमें वार्षिक श्राद्ध हो गया। तो इसमें इस वर्ष कोई भी महालय श्राद्ध नहीं होगा, यानी पितर पक्ष में कुछ नहीं हुआ, ऐसे ऐसे इतने ही श्राद्ध होंगे। इसके बाद फिर अगली वर्ष फिर मासिक श्राद्ध बंद रहेंगे, और इसी मृत्यु तिथि पर फिर सांवत्सरिक एकोदिष्ट श्राद्ध होगा, एकोदिष्ट श्राद्ध। तो वो एकोदिष्ट करना बहुत जरूरी है। एकोदिष्ट ये बिना किए यदि कोई महालय या पार्वण ये जो है कर देता है, तो लिखा हुआ है एकोदिष्टम परित्यज्य पार्वणम कुरते यदि अकृत अकृत तद विजानीयात् स मातृ पितृ घातक। ये वचन है बिल्कुल, लिखा हुआ है कि वो एकोदिष्ट श्राद्ध किए बिना, यानी एक वर्ष तक तो हो गया, दूसरी वर्ष में फिर उसी तिथि पे वार्षिक तिथि पे जिसमें वर्षी श्राद्ध किए थे, जिसमें उनकी मृत्यु हुई थी उसी तिथि में, वो एकोदिष्ट श्राद्ध है जो कि पुत्र को जीवन पर्यंत उसी तिथि में करना चाहिए। जिस तिथि में माता पिता की मृत्यु हुई है उसी महीने की उसी तिथि में, जैसे किसी की मृत्यु वैशाख शुक्ल तृतीया को हो गई, तो वैशाख शुक्ल तृतीया में ही उसको एकोदिष्ट श्राद्ध करना है, एक पिंडदानात्मक केवल पिता के उद्देश्य से श्राद्ध करना। कहीं कहीं लोग पार्वण भी करते हैं, वो बात अलग है, हम लोगों का यही पक्ष है एकोदिष्ट श्राद्ध। तो वो श्राद्ध अगर कोई नहीं करता है, एकोदिष्टम परित्यज्य और पार्वणम कुरते यदि पितृपक्ष में पार्वण करने लगता है, तो वो श्राद्ध पार्वण वाला नहीं लगता है, अकृतम तद विजानीयात, अकृतवत हो जाता है, और स मातृ पितृ घातक, वो माता पिता को कष्ट देने वाला होता है, इसलिए तो दूसरी वर्ष वो एकोदिष्ट श्राद्ध हुआ। अब तीसरी वर्ष प्रारंभ हो गई, जैसे वैशाख से चल रहे हैं तो आषाढ़ श्रावण और भाद्रपद और ये आश्विन पक्ष आ गया, पितर पक्ष आ गया, कुंवार लग गया, तो इसमें फिर जिस तिथि में मृत्यु हुई थी यानी तृतीया में, तो फिर तृतीया तिथि में उनका महालय श्राद्ध यानी पितर पक्ष का श्राद्ध होगा, और इसमें वो जो है वो नव पिंडात्मक या 10 पिंडात्मक श्राद्ध होगा। इसमें यानी कि उनके पिता, पितामह, प्रपितामह, माता और दादी और परदादी, ये इनके लिए जो है 6 पिंड हो गए, और नाना, परनाना, वृद्ध परनाना, ये 3 लोग हैं, इनको सपत्नी पत्नी के साथ दिया जाता है, तो 9 लोग ये हो गए, और एक एकोदिष्ट गण का। एकोदिष्ट गण में जो चाची, चाचा, ताऊ, ताई या इनके बेटे, पुत्र, भाई या और भी कोई जो है बुआ मौसी आदि लोगों को यदि, या किसी अन्य व्यक्ति को, गुरु आचार्य या मित्र आदि को कोई करना चाहता है, तो उतने लोगों को गिन करके अलग अलग करना, या इन एकोदिष्ट गण के सबको मिल करके एक श्राद्ध, एक पिंड दे देना। इसलिए 10 या जितने लोग वो हों उतने पिंड दान दिए जाते हैं। तो पितर पक्ष में सभी का श्राद्ध होता है, पिता की तिथि में ही सबका हो सकता है,
अथवा वो कई दिन भी कर सकता है, पांच दिन करना चाहे तो एकादशी से लेकर के जो है कर देवे, अथवा पूरे पक्ष में करना चाहे तो भी कर सकता है, केवल पिता की तिथि में करना चाहे तो कर सकता है, परंतु होगा सभी का श्राद्ध, एक व्यक्ति का उसमें श्राद्ध नहीं होगा। तो ये बात है कि तीसरी वर्ष जब महालय आता है तब वो श्राद्ध होता है। हर व्यक्ति को कम से कम ये श्राद्ध अवश्य करने चाहिए। माता पिता की मृत्यु पर जिस महीने की जिस तिथि में हुई है उसमें एक उद्देश्य श्राद्ध, दोनों का जिस जिस तिथि में हुई है तो उनका, और दोनों का ये पार्वण श्राद्ध यानी पितर पक्ष में। तो पितर पक्ष में भले ही एक कर दे, माता पिता का दोनों का ही सकरण मालय में एक का ही हो जाता है, तो एक पितृपक्ष में कम से कम, जिसमें सभी का हो जाएगा नाना नानी इत्यादि सबका, और दो श्राद्ध वो वर्ष में आने वाले माता पिता की मृत्यु तिथि पर। ये तीन श्राद्ध हर व्यक्ति को कम से कम प्रतिवर्ष करना चाहिए, अन्यथा तो बहुत बड़ा अपराध है। ये बिल्कुल प्रारंभिक और बहुत कम से कम जो बतलाया जा रहा है, नहीं तो कम से कम जो है श्राद्ध के जो अवसर आप सुनेंगे 96 बतलाए गए, जो कुछ सामान्य रूप से इसके अलावा अलग है। प्रत्येक अमावस्या में श्राद्ध करिए, प्रत्येक युगादि तिथि में करिए, चार युगादि तिथि है, प्रत्येक मन्वादि तिथि में करिए, 14 मन्वादि तिथि है, प्रत्येक जो है भाई द्वितीय योग में करिए, और प्रत्येक भरणी मघा नक्षत्र आदि में करिए, और ये जो महालय के करिएगा, ग्रहण आदि पड़ जाए तो वो नैमित्तिक श्राद्ध वो अलग है, तीर्थ श्राद्ध अलग है, वो अलग है, ये तो करना ही है इस तरीके के। और पूर्वेद्यु और अष्टका और अन्वष्टका श्राद्ध ये अलग है 15, तो इस तरीके से पूरे 96 श्राद्ध हैं। तो ये 96 श्राद्ध, ये फिर इसके बाद तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध, और ये जो है कभी कोई नांदी श्राद्ध आदि, या ये कोई ये हो जाए ग्रहण आदि, तो वो श्राद्ध हैं, इस तरीके के अलग श्राद्ध हैं। अब जैसे एक बात और है वो बतला करके बात को पूर्ण करते हैं कि जब किसी व्यक्ति का एक वर्ष तक जो उसने 12वें दिन सपिंडीकरण कर दिया, और सपिंडीकरण करने के बाद फिर वो उत्तम षोडशी की आवृत्ति कर रहा है, जो तो एक वर्ष तक होगी, उसी बीच में उसके कुल में कोई विवाह आदि होना चाहता है तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो उत्तम षोडशी की आवृत्ति चल रही है, पिंडदान हो रहा है। तो अगर करना है तब के लिए विधान बताया गया है कि किसी भी मासिक तिथि पर, यानी 12 महीने की किसी भी उसी मृत्यु तिथि पर, उसी उसी तिथि में वो जो बचे हुए हैं, जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था वैशाख शुक्ल तृतीया में, तो यदि किसी का जो है विवाह होना चाह रहा है अब जो है आषाढ़ में, है ना, तो आषाढ़ शुक्ल तृतीया में वो जो बचे हुए जितने भी महीने हैं, जैसे उसने कितने कर लिए गए, तो वैशाख में एक कर दिया था, एक जो है ज्येष्ठ में हो गया, एक आषाढ़ में, तीन हो गए, तो उन तीन को छोड़ करके बाकी के ये जो है श्राद्ध हैं 13, तो उन 13 श्राद्धों को, 13 पिंडों को उसी तिथि में अपकर्षण करके कर देगा। जो आवृत्ति चल रही उस आवृत्ति की भी अपकर्षण विधि से, और वो श्राद्ध पहले हो जाएंगे, तो वो श्राद्धों को करके उसके बाद विनायक शांति होती है, एक विनायक शांति करके फिर वो कुल में विवाह आदि शुभ कर्म कर सकता है। शास्त्र की विधि यही है, और इसको देखना चाहिए, विचार करना चाहिए, इसको जो है आप इन दो ग्रंथों का हमने जो है उद्धरण दिया है इसमें आप देख सकते हैं विधि पूर्वक, और ये कृत्य अवश्य ही होना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दोराह नहीं है। शास्त्रों के वचन को ज्यादा न बोल करके सिद्धांत सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया गया है ताकि जल्दी हो जाए, फिर भी ये जो है काफी बड़ा वीडियो हो गया, लोगों को सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा हो गया, परंतु ये सिद्धांत बहुत बड़ा है जिसको बड़े संक्षिप्त रूप से बतलाया गया है। आप इसको कई बार सुन करके अधिगम्य करें, और जो लोग जानते हैं उनके लिए ये वीडियो हमारा नहीं है, उन्हीं के लिए है जो लोग जो है इसको जानना चाहते हैं। हर हर महादेव।